बिहार के कई जिलों में जहां मॉनसून का प्रभाव कम दिख रहा है, वहीं चार जिलों में आज भारी बारिश का लेकर अलर्ट किया गया है। लोगों को इसके लिए चेतावनी जारी की गई है। वहीं सितंबर में इस बार कम बारिश की संभावना है। इस दौरान उमस भरी गर्मी का एहसास होगा। मधुबनी पूर्णिया में तापमान में वृद्धि नहीं देखी गई है। ऐसे में आपको बता दें कि मॉनसून की सक्रियता में कमी आने के कारण प्रदेश के विभिन्न भागों में भारी वर्षा में कमी देखी जा रही है। राजधानी समेत प्रदेश के दक्षिणी भागों में बादलों की आवाजाही बने होने के कारण मौसम सामान्य बना रहेगा, जबकि उत्तरी भागों के चार जिलों के किशनगंज, सुपौल, अररिया और पश्चिम चंपारण के एक या दो स्थानों पर गरज तड़क के साथ भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दो दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। सितंबर में 20 दिन तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। इस दौरान 178 से 200 मिलीमीटर बारिश का आसार जताए गए हैं। राज्य के लिए सितंबर में सामान्य वर्षा का आंकड़ा 216.5 मिलीमीटर होगा, यानी कि 216.5 मिलीमीटर वर्षा होगी। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण आर्द्रता भी 80 से 95 के बीच रहेगी। इस दौरान कड़ी धूप और हवा की सुस्त रफ्तार से उमस भरी गर्मी का एहसास होगा। 21 से 22 सितंबर से प्रदेश में मॉनसून लौटने लगेगा। सितंबर में प्रदेश के अधिसंख्य हिस्सों में सामान्य से कम और दक्षिणी भागों में सामान्य वर्षा के आसार हैं। अधिकतम तापमान में भी 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग अलग भागों में छिटपुट वर्षा दर्ज की गई। वैशाली के भगवानपुर में 25.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। ऐसे में मंगलवार को पटना और आसपास इलाकों में दिन में कड़ी धूप निकलने के कारण लोग परेशान रहे। शाम में बादलों की आवाजाही बने होने से मौसम सामान्य बना रहा। मंगलवार को मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज और भागलपुर को छोड़कर पटना सहित जिस जिलों के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। राजधानी के अधिकतम तापमान में 15 यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 40.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सीतामढ़ी पुपरी में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। मुजफ्फरपुर के सरैया में 10.4 मिलीमीटर वर्षा की जो है वो हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरह से मौसम कहीं ना कहीं करवट बदलता हुआ नज़र भी आ रहा है, आए दिन जो है उमस भरी गर्मी से लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। काफ़ी उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। ऐसे में 21 से और 22 सितंबर से जो मानसून है वो लौटने भी लगेगी, यानी कि मानसून चला जाएगा और वर्षा नहीं होगी। यानी कि 20 सितंबर तक आसार जताए गए हैं कि छिटपुट वर्षा हो सकती है चार जिलों में। आज की बात करें तो चार जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है कि भारी वर्षा के साथ वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से उमस भरी गर्मी से लोगों की दिनचर्या काफ़ी कठिन हो चुका है, आज वही बात करें तो आज चार जिलों में भारी वर्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।